हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंडरफुल मॉम्स। और हम सभी को पता है कि अब करवा चौथ बहुत नज़दीक आ गया है और जितने लोग हैं वो सब लोग इसकी प्लानिंग करना शुरू कर चुके हैं। किसी को कुछ, किसी को कुछ, सबको कुछ ना कुछ तैयारियां करनी है। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि सबको अपने अपने हस्बैंड से बहुत प्यार होता है, बहुत श्रद्धा रखते हैं हम लोग इन सब चीज़ों में। तो कितना भी कोशिश करें, लेकिन आप सब लोग भी यही सोचती होंगी कि नहीं, हमें करवा चौथ का व्रत रखना है ताकि जो हमारा जीवन साथी की उम्र लंबी हो, हम लोग का साथ बना रहे। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको क्या क्या बातें ऐसी फॉलो करनी है। तो आज का मेरा टॉपिक यही है कि करवा चौथ का जो व्रत है उसको रखने का सही तरीका क्या है, ऐसा कौन सा आपको तरीका अपनाना है जिससे आपको और आपके बेबी पे कोई जो होता है ना रॉन्ग इफेक्ट भी ना आए, और आप अपना जो है प्रेगनेंसी भी इंजॉय कर सकें और ये व्रत को भी इंजॉय कर सकें। तो लेट्स स्टार्ट। उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारा लाइक करें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें जो है वो डॉक्टर से इसके बारे में ज़रूर पूछ लेना है, क्योंकि हमारी जो सारी रिपोर्ट्स होती हैं और सारे जो हमारे परफॉर्मेंसेस होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम, वो डॉक्टर को अच्छे से पता होता है कि नहीं, हमें क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए नहीं सही है। अगर आपकी जो है हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो मैं बिल्कुल आपको मना करूंगी, आपको बिल्कुल नहीं रखना है। लेकिन यदि आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल चल रही है, सब कुछ अच्छे से है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और डॉक्टर ने आपको परमिशन दे दी है कि नहीं ठीक है आप रख सकती हैं, तो आप बिल्कुल रखिए। तो आइए शुरू करते हैं कुछ घरेलू आसान उपाय अपना के कि कैसे व्रत को अच्छे से रखना है। तो सबसे पहले तो है आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है सरगी। सरगी आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपके घर में होता हो ना होता हो लेकिन आप सरगी लीजिए। क्योंकि अभी क्या है, अभी सिर्फ ये आपका शरीर नहीं है, आपके शरीर में एक जीव भी है जिसका ध्यान रखना आपका पूरा पूरा कर्तव्य बनता है। तो आप ऐसा चाहती भी होंगी कि आपका बेबी जो है वो आपसे एकदम खुश रहे, आपको उसकी मूवमेंट सुनाई दे। और सोचिए अगर आप अचानक से पानी रोक देंगी, अचानक से खाना रोक देंगी, अगर उसको कुछ नहीं मिलेगा तो उसका जो हलचल है वो बहुत तेज़ हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। तो आपको बिल्कुल सरगी लेना है। सुबह उठ के आप सुबह 3:30 बजे का अलार्म लगा लीजिए। सुबह सरगी में आप ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थ लें, ड्राई फ्रूट्स लें, एक सेब और दूध, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आपको आयरन, कैल्शियम और जितने भी और इम्पॉर्टेंट पोषक तत्व हैं, मिनरल्स वगैरह, सब आपको मिल जाएंगे और आप जो है पूरे दिन आप जो है एनर्जेटिक महसूस करेंगी। इसमें आपको लो कार्ब्स ही लेना है, क्योंकि लो कार्ब्स में ये फ़ायदा होता है कि ये धीरे धीरे पचता है, तो ये हमें देर तक एनर्जी देता है। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा या तला भुना टाइप का कुछ भी खाएंगी तो ये तुरंत आपका पेट तो भर देगा, लेकिन 3 से 4 घंटे बाद आपको फिर बहुत तेज़ी से भूख लग जाएगी। अच्छा, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि वो क्या सोचते हैं कि हम अगर सुबह चाय पी लें तो हमको दिन भर बहुत हम एनर्जेटिक फील करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप चाय पी के सोने जाती हैं और दोबारा आप सो के उठती हैं तो फिर आपको चाय पीने का मन करेगा, फिर सेम चीज़ होगी। और चाय पीने से क्या होगा, आप इसे ऐसे मतलब जो होता है ना चट चट करता है तलवा, उससे और तेज़ी से प्यास लगती है, तो वो बिल्कुल नहीं करना है आपको। आप बिल्कुल चाय ना लें, हेल्दी सरगी लें। और उसके आगे जो है सरगी लेने के बाद जो दूसरा आपको काम करना है वो आराम से आपको सो जाना है, पानी वानी पी करके ब्रश व्रश करके सो जाइए। सो के आप थोड़ा देर से उठिए। देर से उठने का क्या फ़ायदा होगा कि आपका जो टाइमिंग है वो थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा। देर से उठिए, देर से उठ के एकदम रिलैक्स रहिए, बिल्कुल बिल्कुल किसी भी प्रकार का जो है आपको टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल आराम से उठ के आराम से चिल मारिए। दूसरा है घर का जो माहौल है ना वो एकदम स्ट्रेस फ्री रखिए। जैसे बहुत बार होता है कि अरे अभी तो ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, इन सब का टेंशन नहीं लेना है, सब धीरे धीरे करना है आपको। तो माहौल जो है स्ट्रेस फ्री रखना है। तीसरा क्या करना है, बहुत लोग क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ हम लोग करवा चौथ रखते हैं तो हम लोग उस चावल का लड्डू बनाते हैं, तो ये जो भी आपके यहाँ पिंडियाँ वगैरह बनती हैं चावल की या जिस चीज़ की भी आप बनाती हों, तो इसका जो है ना वो आप एक दिन पहले बना के रख लीजिए। जो काम आप एक दिन पहले कर सकती हैं मैक्सिमम वो काम आप एक दिन पहले ही कर लें, जैसे कि साड़ी वगैरह, चूड़ी वगैरह, इन सब का जो सेट वगैरह लगा के रखना होता है, कौन सा मेकअप करना है, मेहंदी लगवाने का, ये सब आप एक दिन पहले निपटा लें। इससे क्या होगा, इससे आप ज़्यादा थकने से बच जाएंगी। अब चौथा काम क्या करना है आपको, चौथे काम में आपको ये करना है, इस समय बहुत सारी ढेर सारी अच्छी अच्छी सीरीज़ आई हैं, नॉवेल्स हैं, तो आप बुक पढ़ सकती हैं, अच्छी नॉवेल पढ़ सकती हैं, कोई अच्छी सी आप मूवी डाउनलोड करके रख ले। हाँ, बहुत लोग कहेंगे देखो पूजा करने जा रही है और मूवी देखने की सलाह दे रही हैं। इस समय क्या है कि इस समय आपको जो है ना अपना ध्यान भटकाना है, ताकि आपका ध्यान खाने और पीने पर ना जाए, क्योंकि
हम लोग जैसे नॉर्मल हम लोग होते हैं तो काम करते रहें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे सिचुएशन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स ही फील करना है ताकि आप थके ना, आप थकेंगी तो बेबी थकेगा। तो आप कोई भी सीरीज़ नॉवेल वगैरह रख लें, आप उसको देखें। उसके जो अगला छठा है वो ये है कि आपको बिल्कुल गर्मी में ऐसे काम नहीं करना है और ना लगातार काम करना है। ये नहीं कि आप सुबह जैसे ही उठी एकदम लग गई हमको ये डिश बनाना है वो डिश बनाना है, ऐसा कुछ नहीं। आप आराम से उठें, आराम से थोड़ा रिलैक्स हो जाएं। आप पहले ये देखें कि कौन सी चीज़ नहीं बिगड़ेगी, जो नहीं बिगड़ने वाली है। जैसे बहुत लोग के यहाँ फारा वगैरह बनता है जिसको कि उल्टा भी बोलते हैं क्षेत्रीय भाषा में, तो वो नहीं बिगड़ने वाली चीज़ है। आप उसको चाहें तो उसको थोड़ा पहले बना लें, और जैसे पूड़ी सब्जी खीर या जो भी आपके यहाँ जो भी पकवान बनते हों जो लगता है कि नहीं बिगड़ जाएगा, क्योंकि इस बार 13 अक्टूबर को ही करवा चौथ है और इस बार के करवा चौथ में गर्मी रहने वाली है, तो वो आप थोड़ा लास्ट में बनाएं। उसको बना के आप 1-1.5 घंटा लेट लें, नॉवेल पढ़ लें, सीरीज़ देख लें, अच्छी सीरीज़ देखें। ज़रूरी नहीं है कि कोई इस टाइप का सीरीज़ देखें, बहुत सारी अच्छी अच्छी मतलब लॉजिकल सीरीज़ भी हैं जिसको देखने से आपका भी माइंड जो है वो बहुत फ्रेशन अप होगा और आपके बेबी पे भी उस इंटेलिजेंस का अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो आपको ये अच्छी सीरीज़ देख लें, फिर आप एक बार उठिए, फिर कुछ काम निपटा लीजिए। तो आप ऐसे करिए, ऐसे करने से क्या होगा, आप खुद को थकने नहीं देंगी और जब आप थकेंगी नहीं तो आपको प्यास नहीं लगेगा। फिर आप देर से नहाएं, 7वां जो है वो है देर से नहाना, क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोग, आप लोग भी ध्यान दिए होंगे, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आप नहा धो के सारा काम करके फ्री होती है ना, आपको भूख तेज़ी से लगती है, और जब तक आप नहीं नहाए रहेंगी तब तक आपको भूख का एहसास नहीं होता है। तो आप थोड़ा देर से नहाएं, जैसे 3 या 4 बजे नहाएं। इसका दो फ़ायदा होगा, एक तो आपको जल्दी प्यास और भूख नहीं लगेगी, दूसरा तैयार होते टाइम